शिला रूप गोस्वामीपाद ने लिखी है और उसको विभिन्न शास्त्रों से मथुरा की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पे हमने नोट दिया हुआ कि व्रज में, वृंदावन में या व्रज प्रदेश में पिंड क्रिया करने का क्या लाभ होता है। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में कहा गया है, गयाम पिंड दानेना यत फलम ही निर्णाम भवेत तस्मात् शतगुणं तीर्थे पिंड दाना ध्रुवस्य च। ध्रुव तीर्थ में, ध्रुव तीर्थ धरी हुआ ना पांसरा तालवंड मधुबन, ध्रुव तीर्थ में पिंड दान करने से गया में किए गए पिंड दान से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो दिल्ली वाले यही पे कर सकते हैं, मैं गया जाने की जरूरत नहीं है। पद्म पुराण के पाताल खंड में कहा गया है, चंडाल जड़ मुका नाम जीव हंसा जीव हिंसा रतस्य च मथुरा पिंड दाने ना पुनर्जन्म न विद्यते। मथुरा में पिंड दान करने के द्वारा एक चंडाल, मूर्ख, मूक बधिर या जीव हिंसा में रत व्यक्ति का भी पुनः जन्म नहीं होता। एक व्यक्ति बोला था कोई यहाँ कुछ पाप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो उसका उद्धार नहीं पाएगा, कह रहे थे व्यक्ति भक्त को बोल रहे थे, दोनों ही भक्त लोग थे, एक भक्त धर्मराज के असिस्टेंट थे तो बोल रहे थे धर्मराज के डिग्री प्राप्त करके आए थे धर्म के बारे में। तो बोले कि जो अजामिल का केस था वो अगर कनौज की जगह मथुरा बना होता तो वह बच नहीं पाता। तो हमने कहा क्या धर्मराज से हम धर्म की विटक लेके आए हैं, क्या करके आए, कहां लिखा है सर। धाम की शक्ति कितनी है, असीमित है। उस व्यक्ति से पूछो कि हमारे पाप करने की क्षमता कितनी है, हम ये नहीं कह रहे कि पाप खींची। धाम और नाम ये एक समान शक्तिशाली है, जैसे नाम अविद्या को काट रहा है वैसे धाम भी अपनी शक्ति से काट रहा है, वो तो दिखता नहीं है। एक बार बोली कृष्णा पाप करते हो तो दिखाई पड़ता है कि पाप पड़ गया, लेकिन जिनको दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है और उसके देख के वो काम करते भी है और पुण्य करते तो दिखाई पड़ता है। मान लीजिए आपने गाय को अडॉप्ट किया, अभी हमारे 11 बजे गो पूजा है तो वो दिखेगा पुण्य जा रहा है, मतलब पुण्य उनके पास आ रहा है। दोनों में ही बात तो शास्त्र प्रमाण है ना। तो धाम की धाम भगवान है एक्चुअली, हम लोग इसे भगवान की गोद में बैठे हैं बाधित भाई। धाम साक्षात भगवान है, वहां यमराज जी का प्रवेश नहीं है। जो गलती यहां पे कुछ कर रहा है उसकी पनिशमेंट यही प्राप्त होगी। अब वो उसको बंदर बनना पड़े या चूहा बनना पड़े जो कुछ बनना पड़े, लेकिन उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा, शास्त्र प्रमाण है। आप पास उसका तो पढ़िएगा, जब उनका भरत महाराज का प्रोफेसर चलता है वहां पर पास समझाता है कि मान लो धाम में देखिए कुछ गलत भी कर रहा है तो वो सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, जो कुछ बनेगा उसके बाद मुक्त हो जाएगा। तो कुत्ते का जीवन कौन सा बहुत लंबा है, हम ये नहीं कह रहे कि धाम में गलत कार्य करना चाहिए, लेकिन कुत्ते का जीवन मान लो मिल भी गया, अब बड़ी अजीब सी बात है, मान लो कुत्ते का जीवन मिल भी गया तो कुत्ता कौन सा बहुत लंबा जीने वाला है, 14 साल में वहां के पास चले जाओ, क्योंकि उसमें केवल दुख भोग सकता है, वह पाप नहीं कर सकता। आई एम नॉट सेइंग कि पाप करी धाम में, ये नहीं बोला जा रहा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया, पूछना कहां मरी थी बताइए, वृंदावन में, और ब्रेकफास्ट क्या करके आई थी, गुड क्लास जूस ना, नहीं बच्चों का खून पीती थी वो, है कि नहीं, और बाकी सारे असुर कहाँ मार रहे हैं, मारे गए थे, यही तो मारे गए थे, केशी वेशी सब यही तो मारे गए थे, आधार इत्यादि इत्यादि। तो पता नहीं कैसे वो लगता है फिर डिग्री लेके आए धर्म की